नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया। अभी हम शेयरिंग निक्की शर्मा दीदी की सुनेंगे। निक्की शर्मा दीदी वाइस प्रिंसिपल है सौ जैन गर्ल्स पीजी कॉलेज श्री गंगानगर राजस्थान में। दीदी ने उनका फर्स्ट वर्कशॉप जनवरी 2019 में किया था और दीदी एएचपी कंटेंट को समझने का और वॉलेंटियरिंग के रूप में अपनी भागीदारी को निभाने का प्रयास कर रही है। तो मैं भी दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि अपनी बात को रखें। दीदी ओवर टू यू। नमस्ते यशवंत भैया, नमस्ते कुमार भैया, नमस्ते दीदी, सभी परिवारजनों के प्रति सादर वंदन। आज के दिन को चुनना भी एक महत्वपूर्ण विषय रहा मेरे लिए, क्योंकि आज मेरा शारीरिक जन्म दिवस कहें उस रूप में भी मैं इस शेयरिंग को आज ही के दिन साझा करना चाह रही थी, और लकीली मुझे ये स्लॉट भी मिला, तो आप सभी के प्रति आभार। अपना संक्षिप्त परिचय के बारे में भैया ने बताया, मैं 18 साल से MBA मैनेजमेंट और एक कॉमर्स कॉलेज है यहाँ पर श्री गंगानगर राजस्थान में, 18 साल से यही कार्यरत हूँ। शादी होके ही मैंने ज्वाइन किया था, और परिवार में बात करूँ तो पापा मम्मी हस्बैंड, तीन बच्चे हैं, दो बेटे, एक 11th स्टैंडर्ड में है और एक 9th स्टैंडर्ड में, और बेटी जिसे मैंने कॉलेज से ही गोद लिया और MBA करा चुकी हूँ उसे, और अब उसको जॉब की तैयारी है और कुछ अपने जो भी उसकी रुचि है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रही है। मानव के रूप में या स्वयं के मैं के रूप में अगर मैं अपनी बात को रखूं तो मैं सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इसी में देख रही हूँ। 2019 में ऑफलाइन वर्कशॉप मैंने सीकर शोभा सरिया कॉलेज में से किया, तो 2 दिन तो ये लगा कि ये जो बात कर रही है ये बातें सबको पता है, बट तीसरे दिन जब परिवार संबंधों की बात हुई तो मुझे कुछ हित हुआ कि हाँ ये कुछ ऐसा है जिसे मुझे मेरा ध्यान आकर्षित हुआ उस समय, और फिर मैंने उस पूरी बात को सुना, फिर केसरी भैया से मैं जुड़ी रही। चारण सर के सानिध्य में BTU में जितनी भी एक्टिविटीज होती रही उसमें हमें पूरा लाभ मिला, कोविड के समय ऑनलाइन एक्टिविटीज, ऑनलाइन मीटिंग्स। फिर 2021 में मैंने अप्रैल में फिर वर्कशॉप किया ऑनलाइन FGP, और उसके बाद से अपनी निरंतर वॉलेंटियरिंग की एक्टिविटी, अपनी भागीदारी। तो सबसे ज्यादा जो ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे ज्यादा जो पुश मुझे मिला वो इस जर्नी में बने रहने का, स्वयं में बदलाव के रूप में, और मैं सबसे ज्यादा शिफ्ट अपने ही अंदर देख पा रही हूँ, तो वही मेरा बिगेस्ट फोर्स बना हुआ है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी से बैड मूड में आ जाती थी और मैं बहुत जल्दी से प्रभावित होती थी। यूं कहें, जब भैया ने पहली बार मैंने मॉर्निंग सेशन अटेंड किया था तो भैया ने एक बात कही पहले ही दिन, जब इस बात को मैंने अपने अंदर लिया, सुख स्वभाव है या प्रभाव, तो मुझे लगा ऐसी भी कोई बात होती है, मतलब इस तरीके का भी कुछ होता है कि सुख स्वभाव, और मैं इसे प्रभाव के साथ ही जी रही थी। तो इस संपूर्ण यात्रा में सबसे ज्यादा मैंने जिस बात को गहराई से समझा उसमें सुख स्वभाव है या प्रभाव, और साथ ही साथ संबंधों के निर्वाह में मैं बहुत गलतियां कर रही थी, तो वो मुझे शुरुआत में तो मैंने छोड़ देने की ही एक मान्यता अपनाई कि जिसके साथ नहीं बन रही है उसके साथ आप बात ही मत करो। तो फिर जब संबंधों की, रिलेशनशिप्स की जब चर्चाएं सुनी ऑनलाइन FGPs में, जब तीसरे दिन ये चर्चा होती थी तो मुझे लगता था कोई दिन कोई काम और करना है नहीं करना, बट थर्ड डे इस पूरी एक्सरसाइज में पूरी फीलिंग्स के बारे में मुझे अपनी बात को पूरा तरीके से सुनना है और समझना है। अगर प्रकृति में बात करें तो मैं बचपन से ही प्रकृति के प्रति मेरा बहुत प्रेम रहा, मैं अपना स्वयं का गार्डन बनाना, कुछ सब्जियां उगाना, और इस तरीके से खुद ही अपने लिए, और मेरी रुचि भी रही और साथ ही साथ में मुझे खुशी बहुत मिलती थी, तो यहाँ से भी छोटी छोटी बातों में दिखने लगा कि यहाँ से भी मैं कहीं से प्रभावित ही हूँ। अस्तित्व की बात करें तो अपने जीने में देखते हुए स्वयं के साथ संबंधों में धीरे धीरे मैं इस अनुभव को जीने लगी,
कि हर व्यक्ति मेरे ही जैसा है। सभी का, जब भैया ने ट्रिपल पी की बात करी तो मैंने उसे भी हाईलाइट करके अपने डायरी में मेंशन किया कि सभी का पर्पस प्रोग्राम तो इस जीवन में एक ही है, बट पोटेंशियल सबका अलग अलग है। तो उस जब उस बात को गहराई से समझा तो डाउट ऑन इंटेंशन के ऊपर मैंने बहुत काम किया। और धीरे धीरे कॉलेज में ये जो चीज है, क्योंकि मैं अक्सर, क्योंकि कोई काम नहीं करता था तो मैं सोचती थी छोड़ो इसको, नहीं बोलते हैं अपने ही करते हैं क्योंकि ये तो नहीं कर सकता। तो उस एक्टिविटी में भी मैंने अपने अंदर बहुत सुधार लाया। और मानवीय आचरण में इतनी गड़बड़ियां मैंने सामने दिखाने के लिए नहीं की, पर अंदर तो ये एक आउटबर्स्ट के रूप में चल ही रहा होता था। अक्सर ना बोलूं बट अंदर बहुत कुछ चलता होता था, और फिर एक दिन वो जैसे फटता था। फिर साल में 6 महीने में एक दिन किसी बहुत ज्यादा गंभीर रूप ले लेता था। तो वो मेरे अंदर पिछले 3 सालों में वो मैं ऐसे ठहराव के रूप में देख रही हूँ कि मेरा आउटबर्स जो है वो बहुत मैं कम देख रही हूँ। अभ्यास 1 और 2 में क्या समझ बनी? तो अभ्यास 1 2 को जब मैंने किया तो अभ्यास 1 में स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना, शुरुआत में भैया ने बोला आंखों का प्रयोग ना करें, तो मुझे समझ नहीं आया कि कैसे करना है इसे। बट जब 2 3 दिन बीते उस बात को समझा तो देखा अपनी इमेजिनेशन जो बहुत तेज तेज दौड़ रही है उसे समझने का प्रयास करें, कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है। फिर भैया से सवाल भी पूछा कि बहुत दिक्कत होती है क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन होता था जब मैंने फर्स्ट मॉर्निंग सेशन अटेंड किया। तो फिर भैया ने कहा कि आप विचार ही देखें जो विचार चल रहे हैं। फिर मैंने एक एक विचार को बहुत माइन्यूटली नोट किया, और नोट करके रात के समय सोने से पहले मैं उसमें पढ़ती थी उसे। तो अभी मैं बताते हुए मुझे, मैं 3 बार जर्नल को भर चुकी हूँ। और जैसे अभी भैया ने भी बताया, मैं एक तरफ अपनी गलतियां लिखती हूँ और एक तरफ अपनी उपलब्धियां कि मैंने कौन से संबंध में आज गड़बड़ी सबसे कम की, उस चीज के ऊपर मेरा बहुत ध्यान बना रहा। अगर स्टेप 2 की बात करें तो सहज भाव तो निश्चित तौर पर नहीं थे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी एक्सटर्नल जो भी सर्कमस्टांसेस थे या किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मेरा रिएक्शन बहुत जल्दी होता था। तो निश्चित तौर पर मैं आराम में तो बहुत कम रहती थी। कौन सा भाव चल रहा है ये मैंने इस पर बहुत होमवर्क किया। तो स्टेप नंबर 4 पर अभी भी काम कर रही हूँ कि मैं अपने सुख दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ और कभी ब्लेम किसी को नहीं किया। ये बात तो बचपन से समझ आती थी कि गड़बड़ी मुझसे ही हो रही है और मैं ही अपने अंदर होमवर्क करूँ। तो ये काम मैंने हमेशा से किया। तो अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जिम्मेदारी भी मेरी है और गड़बड़ी की जिम्मेदारी भी मैंने ही ली। निर्णय पे आधार की बात करें तो 5th पॉइंट पे अगर हम, तो निर्णय का आधार निश्चित तौर पर 90% मैं कहूँ मान्यता ही थी। मान्यता मतलब जिस बात की जानकारी थी, इंफॉर्मेशन जुटा ली, उसी तहत मैंने काम किया। तो सही समझ जैसा कोई शब्द तो था ही नहीं। तो जब राइट अंडरस्टैंडिंग की बात आती है या नेचुरल एक्सेप्टेंस जब प्रपोजल के रूप में पहली बार आया तो इसके ऊपर मैंने बहुत महीने लगाए। नेचुरल एक्सेप्टेंस हर बात को, हर एक्टिविटी को मैं इस सोच के साथ जांचती थी कि वाकई में ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है, ऐसा हो सकता है। तो इस आधार पर स्थित अभी भी मैं वो काम कर रही हूँ। तो निर्णय का आधार वाकई में मान्यता थी और गड़बड़ियां दिखती थी खुद में जब परिमार्जन ट्रांसफॉर्मेशन लोगों ने आकर जब बताया, तो उसको प्रस्ताव से धीरे धीरे मैं अपने जीवन शैली से जोड़ने लगी। और निश्चित तौर पर ठहराव, जिसे हम मैं कहती हूँ कि आराम में हूँ ठहराव, तो वो बहुत मुझे आया। स्टेप नंबर 6 की बात करें, संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व का भाव तो सहज स्वीकार्य नजर आता था। जब किसी के साथ गड़बड़ी में जीना होता था, जैसा बड़ी सिस्टर इन लॉ के साथ मेरा अक्सर रहा, तो मुझे लगता था कि आराम में तो नहीं हूँ बट रिएक्शन मोड में बहुत होती थी। किसी को कुछ बोल देना, किसी को कुछ सुना देना, एक्चुअली में शिकायत कर देना कि इस तरीके से क्यों हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे ये चीज भी समझ आई कि एक्चुअली में शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। तो व्यवस्था में जीना, संबंध में जीना, उसके छोटे छोटे इनपुट्स के रूप में मैंने फिर उसे अपने जीवन में उतारा। और संबंध का ऐसा गड़बड़ी नहीं होती थी क्योंकि इन नटशेल में जब देखती थी तो मैं संबंध से ही जीना चाहती थी। इसे तो मैंने स्वीकार किया बट सुनिश्चित नहीं किया कभी। तो सजग रहना,
अपने इमोशंस, अपनी कल्पनाशीलता, अपने भाव विचार, इच्छा के प्रति सजग रहना मुझे मॉर्निंग सेशन से मिला, और इस आधार पर कुछ सहजता है वो जीवन में आई। तो एक्सरसाइज 1 का जो स्टेप नंबर 5 है और स्टेप नंबर 4 है, वो मेरे लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए मैं फिर रिवाइंड बटन ऑन करके जो पिछली गलतियां हैं उन्हें आज भी उनका अवलोकन या उनका मूल्यांकन स्वयं के लेवल पे करती हूँ और देखती हूँ। स्टेप नंबर 2 की बात करें, एक्सरसाइज 2 की बात करें अगर, तो शुरुआत में मैं के द्वारा शरीर को देखना, तो ये बचपन से ही मैं इसके बीच में होने वाले आदान प्रदान को बहुत प्रबलता से देख पाती थी। धार्मिक पर पृष्ठभूमि होने के कारण इस तरीके के अभ्यास मुझे बहुत थे कि आप बॉडी को क्या मैसेज दे रहे हो और बॉडी उस अनुसार काम कर रही है। तो ये जब प्रपोजल के रूप में मेरे पास आया, तो इसकी इंफॉर्मेशन को मैंने अपने बचपन में होने वाली गतिविधियों से भी कनेक्ट किया। मैं और शरीर दो अलग अलग इकाइयां हैं, इस बात को बहुत अच्छे से मैं समझ पाई, और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से इस इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। निर्णय लेने के लिए कुछ गड़बड़ी मैं कर रही थी कि साधन के रूप में उपयोग करना तो था, बट मैं उसे बहुत ज्यादा आधार मानकर चल रही थी। जैसे जब ये पहली बार प्रपोजल आया कि हाउ मेनी पेयर ऑफ क्लोथ्स यू हैव, तो मैं बहुत डर गई कि मैं तो शायद इसकी काउंटिंग भी नहीं बता सकती, और अक्सर ये मैंने साझा भी किया है जब भी हम किसी मीटिंग में मिले। तो इसमें देखा, फिर जब इसे इसके स्टेप के रूप में मैंने देखा कि मैं दृष्टाकर्ता और भोक्ता हूँ, तो संवेदनाओं पर मेरा बहुत ध्यान गया, जैसे अच्छा दिखना और अच्छा दिखकर कॉम्प्लीमेंट लेना। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटी मैं इतने सालों से करती आई। फिर शरीर को एक स्थिति में रखने की जब बात आई, तो ऐसी एक्सरसाइजेस भी मैंने बहुत की, जैसे एक जगह पर कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं, आपको कुर्सी की आवश्यकता कितनी देर नहीं पड़ती। तो छोटे छोटे रूप में मैंने इस आदान प्रदान को भी देखा, और निर्णय कौन लेता है, बहुत बार ये निर्णय दिखाई देता था कि निर्णय तो मैं ही लेता है। जैसे फास्टिंग के दौरान जब आपको कई ऐसे फास्ट आते हैं, आपको पानी भी नहीं पीना होता, तो आप अपने पूरी बॉडी को क्या मैसेज देते हैं। आप जब मेडिटेशन पे होते हैं, तो इस स्टेप पे कुछ कुछ काम पहले भी किया, और फिर जब मॉर्निंग सेशंस में भैया ने हर चीज को, एक एक्सरसाइज को बहुत डिटेल माइन्यूटली बताया, तो इसको देखने को भी मिला कि कभी कभी मैं शरीर के आधारित निर्णय भी लेती हूँ। मैं और शरीर के बीच दूरी और मैं और संवेदना के बीच दूरी है, इसे भी समझा। जैसे अक्सर कुछ दर्द होता था, तो कॉम्बी फ्लेम खाने का एक बहुत गहरा संस्कार कहें था कि दर्द से काम थोड़ी होगा, आप गोली खाओ और चलते रहो। तो फिर इस तरीके की एक्टिविटीज में भी मैंने ध्यान गया, और अब धीरे धीरे कुछ दर्द होता है तो मैं उस तरफ का ध्यान अपने किसी और काम में जुटाती हूँ। एक्सरसाइज 2 के स्टेप नंबर 5 पे सबसे ज्यादा जो मेरा काम हुआ, बाह्य परिस्थिति का प्रभाव। जैसे बचपन से ही मेरा गर्मी का अभ्यास था, तो मैं एसी में रहना, इस तरीके की एक्टिविटीज का भी मुझे प्रभावित नहीं करती थी, तो आप पंखा भी ना चलाएं तो मैं वहां बैठ सकती हूँ। बट दूसरों का व्यवहार मुझे बहुत प्रभावित करता था, और वो एक एक सबसे ज्यादा लाइफ लेसन है मेरे लिए कि किसी ने कुछ बोल दिया तो बस, अब जो भी मैं कर रही हूँ उसमें मैं असहज हो जाती थी, मेरे भाव भी कई बार बहुत बार बिगड़े। तो अब धीरे धीरे वो उसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन आया जो मेरे वर्क प्लेस में दिखाई दिया। अब मैं उन्हीं संवेदना को पढ़ती हूँ जिन्हें मैं महत्वपूर्ण मानती हूँ, और बाहर की कोई क्रिया मेरे शरीर को अब हानि नहीं पहुंचाती, ऐसा तो नहीं है, बट अब समझ के आधार पर निर्णय लेने की कोशिश करती हूँ। तो बहुत ज्यादा जो रिएक्शंस हैं या बहुत ज्यादा जो डिस्टर्बिंग मूड है, उस मूड पर जाने का जो मेरा अभ्यास है वो कम है। तो ऐसा कुछ बचपन से कुछ मान्यताओं का संस्कार था कि अपने शरीर का पूरा निचोड़ निकाल लो तब तक आप बिस्तर ना पकड़ें। तो इस तरीके के संस्कारों को भी देखना शुरू किया, और मम्मी से भी बात की, क्योंकि माँ का मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव है शुरू से। तो जैसे बिना खाए पूजा करनी है, तो कई बार पूरा पूरा दिन निकल जाता था, तो मुझे लगता था अभी मम्मी को समझाना पड़ेगा कि लोग बीमार पड़ जाते हैं ऐसे। तो धीरे धीरे
मान्यताओं पर जो आधारित मैं निष्कर्ष निकाल लेती थी उसमें मुझे बहुत लाभ मिला। कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा अमेजिंग जो चेंजेस हैं वो मेरे सबसे ज्यादा वर्क प्लेस वाले लोग बताएंगे, क्योंकि वो मेरा सेकेंड होम है। तो पहले लोग मेरे पास आने से भी कतराते थे, पता नहीं मैम क्या जाएंगी और क्या गड़बड़ हो जाएगी। तो अब वो वाली स्थिति जो है वो स्थिति नहीं है, और उससे मुझे बहुत आराम मिला। और एक और मेरा संस्कार था कि किसी को काम देने की बजाय खुद ही कर लो, और खुद कर कर फिर अपने पूरे तरीके से खुद को परेशान कर लो और फिर रिएक्शन के मूड में आ जाओ। तो इस तरीके का मान्यता आधारित संस्कार जो है वो डिसीजन मेकिंग की बात अगर करें तो एक ही व्यक्ति को आप कभी सुखी और कभी आप दुखी कैसे कर सकता है। पहले ऐसा होता था, अब ये दिखाई देता है कि एक ही व्यक्ति एक समय में आपको सुखी कर रहा है, अगले समय वो आपको दुखी कर रहा है। इसका मतलब वो टेम्पररी आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो प्रतिक्रिया पूर्वक जीना ही जी रही थी मैं, तो वो भी मेरा अब शिफ्ट हुआ है। मैं ये तो नहीं कहूंगी पूरी तरीके से राइट अंडरस्टैंडिंग या सही समझ की ओर है, बट उस प्रतिक्रिया को देखने की निरंतरता मेरी 6B के साथ बनी। और अभी स्टेप नंबर 7 की बात कहूँ तो एज अ प्रपोजल ही मुझे मिला था बहुत सारा। तो जब भैया बोलते थे हम सबका जीना शून्य में है, तो किसी एनर्जी किसी एग्जिस्टेंस को मैं महसूस तो हमेशा करती थी, बट अभी उसको क्रिस्टल क्लियर नहीं देख पा रही हूँ। बट जब भैया पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर की बात करते हैं या मीटिंग्स में इस प्रस्ताव को रखा जाता है, वैल्यू के ऊपर जब एग्जिस्टेंस में हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा ध्यान बहुत तेजी से इस ओर जाता है। और मॉर्निंग सेशन में बने रहने का एक सबसे बड़ा भाव जो मेरा है, मैं अभी इस प्रपोजल के ऊपर बहुत काम करना चाहती हूँ। और सबसे ज्यादा काम मैं करना चाहती हूँ जो स्टेप नंबर अभी भी एक्सरसाइज 1 का स्टेप नंबर 4-5 जो है, उसका मुझे लगता है अभी बहुत होमवर्क करना बाकी है। और अपनी पार्टिसिपेशन अपने परिमार्जन के ऊपर मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स सभी परिवारजनों के साथ साझा किया कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी मेरी रिश्तों में ही थी। जिन रिश्तों के साथ ठीक नहीं चल रहा है तो मैं काम ही नहीं करती थी उन रिश्तों के साथ। फ्रस्ट्रेशन, एंगर और इस तरीके का बहुत मेरा जो संस्कार था वो भी इस तरीके का था। एक बार और भैया ने मॉर्निंग सेशन में एक बात कही थी विशेष्ट और श्रेष्ठ के ऊपर, तो उस पूरी दिन मैंने उस बात को अपने अंदर चलाया और मैंने वाकई में ये निष्कर्ष पर पहुंची कि विशेष बनने के ऊपर ही मेरा इतने सालों का कार्य जो रहा या मेरी विधियां रही या जो भी मेरा निर्णय रहा वो अपने आप को विशेष दिखाने के ऊपर रहा। जब मैं मॉडरेशन करती थी तो भैया दीदी मुझे हमेशा कहते थे आप शब्दों का चुनाव दीदी ऐसे करते हो अलग से, तो मुझे लगता था अच्छा लगता है वोकैबलरी को यूज करना। बट अभी पिछली उसी मीटिंग में जितेंद्र भैया ने मुझे कहा कि नहीं दीदी अभी आपकी भाषा में भी सहजता आ रही है, तो मुझे अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि मैं इन्फ्लुएंस नहीं होती हूँ, बट इन्फ्लुएंस अभी भी प्रभावित तो होती हूँ, बट अभी जितना भी प्रभाव ले रही हूँ उसे कहीं ना कहीं मैं समझ से जोड़ती हूँ। तो पहले मैंने एक सवाल पूछा था भैया से सेकंड सेशन में, जब सेकंड मॉर्निंग मीटिंग ज्वाइन की, कि भैया मेरा गलत पर ध्यान ज्यादा जाता है, जहाँ पे गड़बड़ी हुई वहीं पर ध्यान जाता है, और फिर पूरा दिन मैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव मोड में रहती हूँ। तो एक भैया ने मुझे बात बोली कि जितना सही है उसी पर ध्यान देना, उससे क्या है फिर मुझे एक बहुत अच्छा बदलाव लगा, मुझे एनर्जी बहुत मिली। जितना सही है उस पर ध्यान जा रहा था तो लगा कि इतने इतने पे भी काम कर लेंगे तो भी करने वाला बहुत काम है। तो ये एक और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मॉर्निंग से मिला। एक भैया ने बहुत अच्छी बात कही थी एक बार, स्वार्थ स्वार्थ से ही सर्वार्थ संभव है। तो फिर जब भी मैं कहीं जाती हूँ किसी भी मीटिंग में किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हूँ समाज की, तो मैं इस मैसेज को वहां पहुंचाती हूँ कि जो स्वयं के अर्थ को समझ लेगा वही सर्व के अर्थ को समझकर और फिर परम जो अर्थ है। एक दिन भैया ने इस मैसेज को दिया और उस मैसेज को फिर मैंने हाईलाइट किया। तो जो भी प्रपोजल मैं जीने में ले आती हूँ उसे फिर मैं बोल्ड बनाकर हाईलाइट कर लेती हूँ, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की मेरी नेचर शुरू से रही तो मैं लिखती हमेशा से थी।
और इतने काम करना, कुछ समाज की एक्टिविटी में भागीदारी देना, परिवार को नेग्लेक्ट करना, उन एक्टिविटीज में भी अब मैंने बहुत कम किया कि सबसे पहले अपने परिवार को देखो। और हेल्थ के में भी मुझे मॉर्निंग सेशन से बहुत मदद मिली। भैया का एक प्रपोजल था पापोनी, तो मुझे याद आया कि भाई अपना फूड, अपना जो पोस्चर है उसको बैलेंसिंग करने में, और बहुत सारी मदद मुझे प्रियदर्शनी दीदी ने भी गाइड किया। तो अपने शरीर के प्रति भी मैंने जिम्मेदारी उठाई, जो कि पिछले 38 ईयर्स में मैंने कभी नहीं किया था। तो वो मुझे बहुत, अभी ऐसा है कि मैं उस चीज का स्वयं में भी आनंद ले रही हूँ। पहले मुझे पुश की तरह लगता था कोई भी चीज, अभी मुझे लगता है नहीं, अभी हर चीज को मैं रोक कर देखती हूँ, चाहे वो डेली का रूटीन एक्टिविटी है। पहले मुझे लगता था मुझे ही क्यों करना है सब काम, अब मुझे लगता नहीं, मेरा कॉम्पिटेंस उस मामले में इन सब से बेहतर है, शायद इसलिए मुझे ये काम सौंपा गया। तो बिना रोके अपनी प्रतिक्रिया को देखने का अभ्यास जारी है। और स्वयं के लिए मैं कितना समय देती हूँ, तो मैं बहुत लिखने का अभ्यास है मेरा, जो भी मैं एक्टिविटी करती हूँ उसके पॉइंटर्स जरूर नोट करती हूँ, और रात को सोने से पहले अपना एनालिसिस करके सोती हूँ ताकि मैं बोझ में ना रहूँ। और स्वयं के वैभव के रूप में अपनी वर्तमान जिम्मेदारी, मेरी जो अपनी आज की जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ कॉलेज में बहुत जिम्मेदारी का कार्य है मेरे पास, बहुत सारी और एक्टिविटीज हैं, बट फिर भी आनंद के साथ मैं उस भागीदारी को करती हूँ। डायरेक्टर सर के साथ मेरे संबंध बहुत मधुर कभी नहीं थे, तो मैं उनके रूम में अक्सर जाने से कतराती थी, मुझे लगता था बात करेंगे तो कुछ गड़बड़ होगा, बट अभी मुझे लगता है कि मैं पहुंचती हूँ उससे पहले उनके चेहरे पर स्माइल होती है, तो ये मेरी उपलब्धि रही। और अपना समय तो अक्सर मैं समय तो देती हूँ, क्योंकि मैं एनालिसिस के रूप में गड़बड़ जहां पर होती है उसको तुरंत नोट करती हूँ, तो कहीं ना कहीं अपनी कल्पनाशीलता, अपनी जागरूकता पर ध्यान जाता ही है। और अभी जो मेरी एक्टिविटी पार्टिसिपेशन इन UHP है, उसमें मैं PPI कोऑर्डिनेटर के रूप में मोहन भैया और अनुपम भैया के सानिध्य में, फिर मॉडरेशन में जो मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगता है, रजिस्ट्रेशन में, SIP जो FDP में सेशन होता है थर्सडे को 2:30 से 3:30, तो परीक्षित भैया के सानिध्य में मैं उस एक्टिविटी को हिंदी इंग्लिश दोनों सेशन में कर पा रही हूँ एज ए SIP कोऑर्डिनेटर। और ह्यूमन वैल्यू सेल कोऑर्डिनेटर कॉलेज में भी मैं पिछले 2017 के बाद से कार्यरत हूँ। ऑनलाइन मीटिंग्स में सुनना, जुड़ना, टीम डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी देना, ये सभी एक्टिविटीज के साथ इस कमिटमेंट के साथ हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स रहा मेरे जीवन को सही दिशा देने के लिए। तो बनी तो रहूंगी इस कमिटमेंट के साथ कि अभी बहुत सवाल मेरी जिंदगी के मिले जवाब हैं और कुछ के तलाश में हूँ। तो भैया और दीदी और सब परिवारजनों का बहुत प्यार, अपनापन मिला, तो इसी विश्वास के साथ कि अपने जीवन में जो बदलाव आए हैं उससे मोटिवेट होते हुए समाज में कुछ भागीदारी और बेहतर तरीके से करूंगी, इस विश्वास के साथ आप सभी परिवारजनों का आभार। नमस्ते। कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ कि भैया भैया ओके। अदिति को सर्वप्रथम तो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, तो बधाई आपको। धन्यवाद भैया, जी, नमस्ते। आपकी शेयरिंग शेयरिंग बहुत अच्छी रही, और आपकी शेयरिंग में एक महत्वपूर्ण बात मुझे दिखाई दी जो हम सभी साथियों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है, कि जो बातें हो रही हैं उसमें चुन चुन कर अपने जीने से जोड़कर काम की बातें निकाल पाना है ना, जैसे भोजन को लेकर, व्यवहार को लेकर, विचार को लेकर, आपने बहुत सारी बातें चुन चुन कर निकाली हैं। जो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस करते हैं उसको भी आप पढ़ रही हैं ध्यान से और उसको जीने में शामिल कर रही हैं, तो स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ, इस तरह की बातें, पापोनी, इस तरह से आपने शेयर किया। कहीं कहीं पर रखने में मुझे लगता है चूक भी हुई, जैसे पोटेंशियल के बारे में आपने कहा कि सबका पोटेंशियल अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है। जो प्रस्ताव है इसको आपने PPP कहकर इंगित किया, तो पर्पज, प्रोग्राम, पोटेंशियल, ये हम सभी में एक जैसा है, परंतु पोटेंशियल एक जैसा होने के बावजूद कॉम्पिटेंस में वेरिएशन है, क्योंकि हमने पोटेंशियल को डिराइव नहीं किया है। जो बात कही जा रही है कि हर मानव में पोटेंशियल है ज्ञान की पूर्णता तक पहुंचने के लिए, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। मेरा ही पोटेंशियल मैं ही यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें बाहर से कुछ बोरो भी नहीं करना है, कुछ जोड़ना नहीं अलग से, ये बात दिखने में आ जाए तो आप
पाएंगे कि हम अपने आप में बहुत एम्पावर्ड भी फील करते हैं और हम हर एक व्यक्ति में वो संभावना देख पाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया दीदी, आपने जिस तरह से विधिवत ढंग से एक एक बिंदु पर अपनी बात रखी, अपने जीने से जोड़कर उसमें अपना मूल्यांकन किया, कहाँ तक देख पा रहे हैं कहाँ तक नहीं देख पा रहे हैं, और जो टेक अवेज आपने शेयर किए तो बहुत ही अच्छा रहा। और आप डेमो सेशन कुछ दे पाई हैं अभी वर्कशॉप्स में या मीटिंग्स में? जी भैया, मैंने नेचर को 4 बार 5 बार किया है। हाँ, संडे मॉर्निंग सेशन में जो आरपी डेवलपमेंट होता है एक बार आपके यहाँ आपके समक्ष दिया था 7:30 वाले सेशन में। पिछली बार अपनी संडे बात भी हुई थी, आपने कहा सोसाइटी पे प्रिपेयर करना है। अच्छा, ठीक है ठीक है, बढ़िया। तो जी उसको करके रखें। और कभी आप स्टूडेंट वर्कशॉप में सेशन ले रही हैं कुछ? नहीं भैया, अभी तो नहीं। थोड़ा कंटेंट की और क्लैरिटी हो जाए। आपने भी दीदी वर्कशॉप कितने किए अभी? भैया मैंने वर्कशॉप कर लिए 4, अच्छा, सभी वर्कशॉप ऑनलाइन तो कर लिया। रिफ्रेशर 1 2 भी पार्ट 1, SIP सेशन कंडक्ट करने का एक अपना 2 दिन का हुआ था, वो किया था। तो लगभग 2020 के बाद से जितने वर्कशॉप हुए हैं ना भैया, वो भी किया। रीजनल मिले थे, रीजनल मीटिंग। तो ऐसा कर सकते हैं, जो वीकली मीटिंग्स होते हैं उसमें जो डेमो सेशंस के अवसर बनते हैं उसमें आप जरूर बात रखें, और जो प्रश्न आते हैं उनको रिस्पॉन्ड करें, तो और बारीकी से कंटेंट क्लियर होगा, है ना? वही कॉम्पिटेंस नहीं है भैया, बस वही लैक कर रही हूँ। तो अभी भी मेरा इस संडे भी जितेंद्र भैया और टीम 9 के साथ है, और एक बार मैंने निधि दीदी तारा भैया के आगे भी प्रेजेंट किया था, और एक बार BTU की जब मीटिंग होती थी, अलका दीदी सब भैया भैया थे, तो उधर भी किया था। तो देख लें। और आप जिस पद पे हैं अभी, वाइस प्रिंसिपल के पद पे हैं, तो आप ये भी देखें कि आपके कॉलेज में वेल एजुकेशन सेल बन गया है कि नहीं, कितने है फैकल्टी डेवलप। भैया, मैं ही देख रही हूँ उसे। अच्छा, बहुत अच्छा जी भैया, बहुत। SIP आपके यहाँ विधिवत हो रहा है? थ्री हाँ SIP हो रहा है भैया, जब से ये लागू हुआ है। वीक्स और का कर रहे हैं? जी भैया, 3 वीक्स का, 3 हफ्ते का करते हैं? हाँ, 21 दिनों का भैया, MBA MCA दोनों प्रोग्राम्स हैं अपने यहाँ, उन दोनों के लिए करते हैं भैया। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। तो और मैं ये 2:30 बजे वाला सेशन भी लेती हूँ भैया मैं, परीक्षित भैया ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मुझे अच्छा लगता है काफी ये वाला सेशन भी लेके। यूसी मीटिंग का, नहीं, जब चौथे दिन होता है भैया, 2:30 बजे दोनों अच्छा, भी। ठीक है बढ़िया। SIP का जो सेशन इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में हुआ करता है, जी भैया, बढ़िया दीदी, बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामना। आप दोनों साथी धन्यवाद हैं, भैया, सभी बिल्कुल परिवारजनों को धन्यवाद आपका।